अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, थोड़ा सा और बचा था स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, अगर मान लो आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी और उससे आप डायरेक्ट स्लोप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ये सेकेंड लेक्चर है आपका। This is straight line two. ठीक है, लेक्चर नंबर टू जी। बोलिए ना। क्या? पर स्ट्रेट लाइन का ये सेकंड लेक्चर। थोड़ा सा? जोर से बोलिए सर, थोड़ा सा जोर से। जोर से बोलूँ? हाँ। आवाज कम आ रही क्या बेटा? नहीं, इधर से तो पूरा एंटर हो सर, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है। रुक जा, ठीक है अपन चालू करते हैं अभी। स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर टू, और इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है और उसके दो कोऑर्डिनेट आपको दिए है ना, दो कोऑर्डिनेट दिए, तो उससे आप स्लोप कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो और स्लोप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो आप और इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे। तो यहां पे स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स स्लोप, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो देखो इसमें सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये कोई स्ट्रेट लाइन है बेटा, और इसके कोई दो पॉइंट आपने ले लिए, एक पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट हो गया क्यू, या एबीसी आप पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स वन और ये वाई वन। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गया एक्स टू और ये पॉइंट हो गया इसका वाई टू। समझ गए? आया ना? मतलब यहाँ पे आप पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट लिखते हो, जैसे इसके लिए क्या लिखोगे आप, एक्स टू वाई टू, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, दिस इज एक्स वन एंड वाई वन। यस और नो? ठीक है, तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डायरेक्ट आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो इस पे, डायरेक्ट आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो यहां पे डायरेक्ट आपको लिखना है स्लोप मतलब एम मतलब टेन थीटा। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा जुगाड़ लगा रहे हैं, है ना, जुगाड़ का मतलब समझते हो कि नहीं समझते जुगाड़? ठीक, एक छोटा सा जुगाड़ ये लगा रहे हैं अपन कि यहां पे अपन एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? एक राइट ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिए ये इस तरह से, और एसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एसी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये जो एंगल बनेगा इसका थीटा, ठीक है ना, एंगल थीटा दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा जो बन रहा है इसका, क्या यही स्लोप रहेगी? अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को इधर नीचे तक पास कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से पूरा स्ट्रेट लाइन का और ये एंगल सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू डायरेक्ट आप किसके बराबर लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, आया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये जो BC की वैल्यू है यहाँ पे, दिस BC इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, BC इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और जो AC रहेगा बेटा, ये जो टर्म है यहाँ पे AC कितना जो है, दिस इज x2 माइनस x1, हाँ या ना, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे जो स्लोप आ रही है m या फिर tan theta is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसको आपको याद रखना सीधा सीधा भी है. अच्छा इसमें y1 minus y2 कर सकते हो कि नहीं? y1 minus y2 नो सर. कर सकते हैं y1 minus y2 अगर करते हो आप तो नीचे डेनोमिनेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा x1 minus x1 x2 करना पड़ेगा. ठीक है तो आप y2 minus y1 upon x2 minus x1 भी कर सकते हो और y1 minus y2 upon x1 minus x2 भी कर सकते हो. लेकिन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर y2 minus y1 कर रहे हो तो x2 minus x1 लिखना बट ये नहीं आएगा फिर यहाँ पे. ठीक है अगर मान लो आपने y2 minus y1 लिखा और x1 minus x2 लिख दिया तो ये गलत है. ठीक है तो फिर इससे स्लोप नहीं निकलेगी. क्लियर हो गया? अभी स्लोप का नेगेटिव निकलेगा इससे. ठीक है समझ गए कि नहीं? स्लोप का नेगेटिव निकलेगा फिर तो दिस इज नॉट इक्वल टू ये वैलिड है. आप ऐसे लिख सकते हो इनको तो ये यहाँ पे स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ठीक है इस तरह से. और जो इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी डायरेक्ट इक्वेशन किस टाइप से आएगी देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. m ऑलरेडी आपने निकाल लिया यहां से तो आप इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल्स टू m मतलब स्लोप x माइनस x1. यहां पे x2 मत लिखना यहां y1 तो यहां x1. या फिर y माइनस y2 लिख दो m इंटू x माइनस x2 लिख दो. तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हो. ठीक है दिस इज आल्सो द मेथड हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं वो आपको मैथ्स वाले सर सिखाएंगे जो जेई वाले बच्चे हैं नीट लेवल पे और फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतना मैंने बता दिया. आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है ये पता होना चाहिए. आपको स्लोप क्या होती है ये पता होना चाहिए. इक्वेशन कैसे लिखते वो पता होना चाहिए. इतना ही हमारे लिए सफिशियंट होता है. ठीक है ना हमको बहुत सारे तरीके से मतलब नहीं है यहाँ पे. तो अगर हमको कोई एक मेथड भी आती है इक्वेशन लिखने की इट इज मोर देन एनफ. ठीक है समझ गए ना? क्लियर हो गया ये? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो कोई डाउट है अभी जो डिस्कशन किया? ओके आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. सर वो वहां पे वायर एक्स के ये इक्वेशन लिखते टाइम ये इक्वेशन लिखते टाइम क्या? हाँ सर इक्वेशन लिखते टाइम वो एक मेथड हो गई या फार्मूला हो गया तू समझ ले अभी बस ज्यादा मत सोच उसके बारे में. ठीक है इक्वेशन लिखने का ये तरीका हो गया. ठीक है हम विदाउट प्रूफ लिख रहा है ये रिजल्ट इसलिए प्रूफ के साथ लिखते तो अभी अपन क्या कर रहे हैं ना इससे अपन इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको हाँ ये क्लियरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे ही तो आ रही इक्वेशन जैसा अपन ने पहले किया हुआ था. ठीक है एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते अपन. ओके हेलो ठीक है क्या नाम है? हेलो हाँ ओके बेटा मिटा दो इसको. ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस सर. यस पेज नंबर टू. ठीक है और अब देखो एक एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं इसके लिए. फाइंड स्लोप एंड राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ये यहां पे मैंने ले लिया ये y एक्सिस इधर पे x एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन हो गई. यहां पे a
और ये बी, बी के कोऑर्डिनेट है 4.5 और ए का कोऑर्डिनेट है 1.2 और ये 6 मिल गया, ठीक है ना। ओके चलो, इस पे आपको क्या करना है, इस दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है और स्लोप बताना है। चलो जल्दी से देखो जरा स्लोप क्या आएगी, फार्मूला लगा दो, सीधा सीधा फार्मूला लगा के चेक करो, ठीक है, फार्मूला लगा के चेक कर लो। हो गया, दो मिनट से। हाँ कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। और इसी क्वाल का भी उतना ही है, 4/3। हाँ ठीक है, देखो भी बाय थ्री, ये क्या है, देखो आपको क्या करना है ना, ये वाली वैल्यू को आप x1 और y1 ले लो, इसको क्या ले लो x2 और y2 आप ले लो, इसको x2 y2, तो फिर स्लोप का फार्मूला m equals to tan theta equals to direct y2 minus y1 upon x2 minus x1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, what is y2 6 minus y1 is 2 divided by 4 minus 1, so this is 4/3 is the slope, है ना, slope की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। तो अब equation आप लिख दो, इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, तो ये y y रहेगा, y1 कितना आपके पास में 2 इक्वल टू m कितना हो गया 4/3, x as such रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 1। अब चाहो तो इसको रीअरेंज कर दो आप, y equals to 4/3x और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -4/3 और ये 2 राइट साइड पे चला गया तो कितना आ गया 2 आ गया ये, ठीक है, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो आप चाहो तो, दिस इज 4/3x और यहाँ पे प्लस एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 3 3 2 6 -4 मतलब 2/3, तो फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन 4/3x एंड प्लस 2/3। तो ये जो फॉर्म अपन ने पढ़े थे ना, बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला, उस फॉर्म पे आ गई इक्वेशन ये, ठीक है, समझ गए कि नहीं, हेलो अरबी समझ गए, ये डाउट है, एक और बार समझिए सर, कहां पर से सर, एग्जांपल एक बार समझिए आखिरी वाला, देख यहाँ पे स्लोप का, ये स्लोप निकालना समझ गए कि डाउट है कोई स्लोप में, समझ गए। अब यहाँ पे इक्वेशन जब आप लिख रहे हो, एग्जाम्पल नहीं इक्वेशन है ये, इक्वेशन जब आप लिख रहे हो स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, जब आप इक्वेशन लिख रहे हो तो y माइनस y1 लिखना है इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 लिखना है, और अब बाकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, y1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू पुट कर दो, हाँ आपको y और x को कुछ नहीं करना, ठीक है, y और x के फॉर्म पे ही तो इक्वेशन बनेगी, उसके बाद मैंने सिंपलीफाई किया, बस सिंपलीफाई आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जो भी मेथड आती जैसा भी करते आप, समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए इसको, हेलो कोई डाउट है, समझ गए, हाँ तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ेंगे अभी, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सर, दूसरी वाली से क्या तो यही है, किससे किससे
वो दूसरी वाली इक्वेशन थी उससे किया होता है। कौन सी वाली इक्वेशन? एक और एग्जांपल दीजिए ना। हाँ ठीक है दे रहा हूँ, एक मिनट। ये क्या पूछ रहा था कि कौन सी इक्वेशन से? हेलो कौन सी इक्वेशन से बेटा? यही इक्वेशन है यहाँ पे, या y माइनस वाई टू कर सकते हो आप, y माइनस वाई टू इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू कर सकते हो। ठीक है हेलो, y माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई टू कर सकते हो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू कर सकते हो, तब भी फाइनल रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, y इक्वल टू फोर वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई थ्री ही मिलेगा। ठीक है समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। हाँ चलो इसको सॉल्व करना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ इसमें, पेज नंबर थ्री। सर हाँ बोलो। नहीं नहीं सर कुछ नहीं बोल। ओके अभी देखो एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना। ये y एक्सिस इधर पे, x एक्सिस ये इस तरह से, ये पॉइंट a 1.5 और ये पॉइंट b दिस इज 4.2। ठीक है चलो निकालो, इस स्ट्रेट लाइन के लिए निकालो इक्वेशन एंड स्लोप। ठीक है समझ गए क्वेश्चन, चलो फटाफट करो इसको, ट्राई करो बेटा। सर इधर a1 5 x1 y1 होगा ना कि b वाला होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ले लो, x1 y1 किसी को भी ले सकते हो, x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कैसे ले रहे हो। ठीक है सर, m equals to 1 आया, m equals to 1 आया क्या? यस सर 1 आया। 1 सर प्लस 1 की माइनस 1 आएगा भाई, थोड़ा ठीक से बताओ सर। 1 ही आया, नहीं ना माइनस 1 आएगा ना सर, माइनस 1 है सर, माइनस 1 है, मेरा ही माइनस 1 है, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा। हाँ यस सर माइनस। माइनस वन आया, देखो इसको आप एक्स वन वाई वन मान लो और इसको क्या ले लो एक्स टू वाई टू, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स वन वाई वन किसको ले रहे हो, आप इसको भी एक्स वन वाई वन ले सकते हो, इसको एक्स टू वाई टू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू, अगर एक्स वन वाई वन है तो ये वैल्यू वाई वन है यहाँ पे, ठीक है, और ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है, और ये वैल्यू क्या है y2। तो जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे y1 माइनस y2 का डिफरेंस ले लेते हैं और x2 माइनस x1 का डिफरेंस ले लेते हैं, जबकि यहां से अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे x एक्सिस से भाई 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है, वैसे भी डायग्राम देखकर ही हमको पता चल रहा है। ठीक है तो सर हाँ बोलो सर, मेरे इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 6 है। ओके फाइन, अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ, अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ, देखो ये आप स्लोप के लिए हमेशा ऐसा ही लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है ना, आप इसी तरह से लिखोगे बेटा इनको, क्लियर हो गया कि नहीं? आपको इक्वेशन इसी तरह से लिखना है। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो व्हाट इज y2 हियर, y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 5, तो 2 माइनस 5 अपॉन x2 की वैल्यू है 4,
और x1 की वैल्यू कितनी है 1. सो दिस इज माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1. तो स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप कितना आ गया यहाँ पे माइनस 1 आपकी स्लोप आ गई. इसके बाद आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, मतलब इक्वेशन लिख लो. तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी इसकी y माइनस y1 कितना है 5, m कितना आया माइनस 1, फिर x, x1 कितना बेटा 1. तो ये y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा. और इसको राइट साइड पे ले जाना. तो y इक्वल्स टू माइनस 1x, मतलब सिंपल x प्लस 1 प्लस 5, तो माइनस x प्लस 6. तो ये फाइनल आंसर आना चाहिए, आप कैसे भी करो. ठीक है, समझ गए कि नहीं? तेरा भी यही आया. ओके फाइन, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर. कोई डाउट अभी इस पे किसी को? इक्वेशन लिखने पे कोई डाउट है? नो डाउट. ठीक है. yes, कोई डाउट है क्या? समझ गया पूरा कि नहीं? अब बात कर ले कि भाई इसका फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा. हाँ, जल्दी से. एक्चुअल में आपको कर्व की स्लोप देखते बनना चाहिए कि इंक्रीजिंग स्लोप है कि डिक्रीजिंग स्लोप है, किस तरह से है, ये हमको बनना चाहिए बेटा. हाँ, कर्व की स्लोप देखते हुए हमको बनना चाहिए. मैं इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इस पेज का स्क्रीन शॉट लो आप लोग जल्दी से. ले लिए क्या इस पेज का स्क्रीनशॉट? यस सर. टेंजेंट किसको बोलते हैं अपन? पेज नंबर 4. टेंजेंट किसको बोलते हैं? सर, वो सर्कल के पास से जो लाइन पास होती. देखो, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलने में लगा. यस सर, टेंजेंट टू अ कर्व. ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है. आपने सर्कल के लिए पढ़ा है ना, जैसे ये अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, दिस इज एनी सर्कल और ये कोई पॉइंट पी है, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट P को टच करते हुए निकल जाएगी और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगी सर्कल को, एक सिंगल पॉइंट पे. तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज द टेंजेंट एट P. और ये सर्कल के सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो जिसको आप रेडियस बोल रहे हो, तो ये इसके क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है. ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो बेटा ये कोई कर्व है, This is any curve. समझ गया ना? ये curve दिख रही है आपको कोई? आया ना? एक curve दिख रही है? Hello. Yes sir. Yes. Curve दिख रही ना आपको? तो अब इस curve पे अगर आप दो तीन जगह पे, जैसे मान लो आपको यहां पर tangent draw करना है, यहां पे आपको tangent draw करना है, P point पे tangent draw करना है या Q point पे tangent draw करना है, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन लोगे. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन यहां पे एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जाएगी ऐसा. ठीक है ना? तो दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट एट पी टू द कर्व. सिमिलरली ये भी एक टेंजेंट है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज सेकेंड टेंजेंट, सो दिस इज अगेन टेंजेंट एट क्यू. समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी? टेंजेंट का मतलब समझ गए कि नहीं? कर्व के लिए भी आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट, सर्कल के लिए भी ड्रॉ करते हो. ठीक है, तो जो टेंजेंट है वो आप सर्कल के लिए भी, और ये कोई भी कर्व है. समझ गए कि नहीं? तो टेंजेंट है क्या? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है. समझ गए? तो इसकी कुछ स्लोप होगी, डेफिनेट सी बात है. टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डेफिनेटली इट हैव सम स्लोप. तो टेंजेंट क्या बन गया? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है. सो देयरफॉर
इट हैव स्लोप, इसके साथ में स्लोप भी होगी, समझ गए कि नहीं? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर इसके साथ में स्लोप भी आएगी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? नो डाउट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस यस सर। पेज नंबर 5 आएगा, 6 आएगा, 5 ठीक है। हाँ देखो अभी इस पे पेज नंबर 5 पे, इस पे ये पार्ट एक और, अभी जैसे एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि जो कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, इसकी स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, एक कर्व है, दिस इज एनी कर्व। आप स्लोप क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जैसे आपने तीन पॉइंट लिए, आपने तीन पॉइंट लिए इस कर्व के, है ना? तो यहाँ पे देखोगे ये एक टेंजेंट हो गया बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे आप तीसरा टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, तो इसके साथ में एंगल थीटा वन है, इसके साथ में एंगल कितने का है, थीटा टू है, तो ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया, ये सेकंड टेंजेंट हो गया, ये थर्ड टेंजेंट हो गया, तो क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, सिंस थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन देयरफोर टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा लिखेंगे अपन, देयरफोर यहाँ पे आप टेन थीटा के फॉर्म पे भी अगर लिख दो, टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन, तो स्लोप m2 इज ग्रेटर देन m1, सो देयरफोर यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग। अब एरो का मतलब इंक्रीज होना है, अब एरो का मतलब इंक्रीज, समझ गया कि नहीं? सर आपने दो थीटा क्यों लिए, सर आपने तीन थीटा बनाया ना, तो आपने दो, ठीक है ना भाई, तू एक और ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, थीटा थ्री इज ग्रेटर देन, समझ गए ना, तो यहाँ से मेरे पास जगह कम बच रही थी इसलिए मैंने ऐसा ले लिया, समझ गए? तो ये जो, हाँ ये जो कर्व बनाया अपन ने, इसकी अगर डिफरेंट जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी जो स्लोप है उन टेंजेंट्स की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ बोलो अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं सर, वो थीटा थीटा कैसे आएगा सर उधर पर, वो लाइन पे कर्व है ना, थीटा कैसे आएगा, नहीं नहीं ये थीटा किसके लिए, कर्व के लिए थोड़ी थीटा है, थीटा किसके लिए बनाया आपने, स्ट्रेट लाइन के लिए बनाया ना भाई, टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, समझा? जैसे आपने ये कर्व थी, इस कर्व पे आपने पॉइंट ए पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए जो पॉइंट ए को टच करते हुए जा रही है, सो व्हाट इज दैट, दैट इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, अगर ये टेंजेंट है पॉइंट ए पे तो यहाँ पे इसका एंगल भी बन जाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे फिर बी पॉइंट के लिए बन गया सेकेंड वाली टेंजेंट के लिए, ऐसे फिर सी पॉइंट के लिए बन गया थर्ड वाली टेंजेंट के लिए, ये थर्ड टेंजेंट आपने ड्रॉ किए, समझ गए? हाँ या ना, हेलो समझ गए, अरे कुछ तो जवाब दो भाई, हेलो Yes, तो यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंजेंट बढ़ रही है ना, मतलब टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही, टेंजेंट नहीं बढ़ रही, टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही, स्लोप समझते हैं ना, मैंने कल बताया था ना स्लोप का मतलब, फिजिकल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्रीजिंग हियर, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का जल्दी से लो, फिर एक और एग्जांपल देख रहे हो जिसमें डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, जल्दी से ले लो बेटा इस पेज पे स्क्रीनशॉट, ले लिए? Yes, sir. Okay. And then, अभी देखो हाँ, एक और एग्जाम्पल अपन देखते इस पे, एक और एग्जाम्पल इस पे बताना है क्या हो रहा है इस पे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक कर्व है, स्लोप इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इस कर्व की,
कोई भी दो पॉइंट ले लो, तीन पॉइंट ले लो, है ना, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ज्यादा स्ट्रेट वर्टिकल देखेगी, ये थोड़ी सी थोड़ी हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, आपने तीन जगह टेंजेंट ड्रॉ किए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप पॉजिटिव है वैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड हो रहा है, समझ गए, जैसे ये एंगल थीटा वन है, यहाँ पर का एंगल थीटा टू है, तो इसमें थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, मतलब एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, आप जैसे जैसे आगे टेंजेंट और ड्रॉ करते जाओगे इस कर्व पे, उनकी स्लोप क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, कि डाउट है अभी इस पे कोई, समझ गए डाउट, तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, तो स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव बट इट इज डिक्रीजिंग है, हाँ एक और एग्जांपल देखते हैं, मिटा दो इसको कि नहीं, मिटा दो, यस सर, यस सर, ओके, आई थिंक पेज नंबर 7 आएगा क्या, ठीक है अभी देखो एक और एग्जांपल, इस पे बताना अभी, हाँ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे बताओ क्या है, ये कर्व है, इस कर्व की जो स्लोप है वो कैसी है, डिक्रीज हो रही है सर, पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, जैसे देखो यहाँ पे ये टेंजेंट ऐसा बनेगा ए पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और फ्लैट होगा, यहाँ पे और फ्लैट हो गया, आया ना, तो तीनों जगह पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो एंगल है इनका ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव स्लोप है ये, डायरेक्ट मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव तो है, और ए से सी की तरफ जाने पे, फ्रॉम ए टू सी स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप क्या हो रहा बेटा यहाँ पे, डिक्रीज सर, बट आपको पॉजिटिव होता है क्या, टेंजेंट इज पॉजिटिव है डिक्रीजिंग, कहाँ पे, इसके पहले वाले पे, हाँ उसके पहले वाले पे देख कर उल्टा था, ऐसा था, ऐसा था, तो ये पॉजिटिव स्लोप थी, मतलब वहां पे, यहाँ पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है ना, ये देख इधर से देख, ये नेगेटिव एंगल की अगर बात करें तो जैसे तू यहाँ से इसको पूरा सीधा लाइन ऐसी ड्रॉ करते, तो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल किससे ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, समझ गया, तो ए से सी की तरफ जाने पे जो स्लोप हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो, यस सर, कोई डाउट अभी इस पे, नो डाउट, नो डाउट, पक्का समझ गए कि नहीं, यस सर पक्का, हाँ, तो ए से सी की तरफ, मतलब आप जैसे जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोगे, कर्व की जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज होते जा रही और नेगेटिव है, भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस पे, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फिजिक्स में, हाँ इस तरह से, क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट सीधे सीधे एज सच रहती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, हेलो, अरे समझ गए आज का पूरा, यस सर,